अब आप घर बैठे ले सकते हैं कानूनी सलाह। आप महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य में हो, बस अपना फोन उठाएं और जानकार वकील से कानूनी सलाह ले लें। आप महिला हैं और किसी महिला वकील से बात करना चाहती हैं तो यह भी मुमकिन है। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, अब बहुत से काम आप घर बैठे कर सकते हैं। उसी कड़ी में अब आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शाह एसोसिएट्स एंड लॉ फर्म की ओर से यह सुविधा की आरंभ की गई है, ताकि नागरिकों की समय और रुपए दोनों की बचत हो। आपको बता दें कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मात्र 300 रुपया फीस देने होंगे और आपको 30 मिनट का समय मिलेगा और इन 30 मिनट में आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। आप शुल्क अदा करने के लिए आप जी पे या गूगल पे कर सकते हैं। हकीकत यह है कि बढ़ते हुए महंगाई के इस दौर में शाह एसोसिएट्स एंड लॉ फर्म की यह बेहतर पहल है। हमें जब इस बात की जानकारी मिली तो हमने भी सोचा कि आम जनता तक इस बात की जानकारी पहुंचना बेहद जरूरी है। दशहरे के अवसर पर दफ्तर की पूजा की गई, जहां लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के वकील मौजूद थे और वहीं नवी मुंबई वकील संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस अवसर पर आए हुए थे, जिनसे हमने बात की और शाह एसोसिएट की यह कोशिश कितनी फायदेमंद है और क्या हकीकत में इसका फायदा आम और खास को होगा, इसी विषय पर हमने चर्चा की। सुने वरिष्ठ वकील का क्या कहना था। सर, जिस तरह से नवी मुंबई एक मसाला मार्केट में ये दफ्तर वकील का खोला गया है और उन्होंने नए फार्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है, आपको लगता है कि जिस तरह से वो कह रही है कि मैं आम आदमी को जो मुश्किलों में फंसा होगा या फिर वकील के ऑफिस में जाने का समय नहीं होगा, जेब में रुपए कम होंगे, उसको 300 रुपए में मैं वीडियो कॉल पे परामर्श कानूनी सलाह दे दूंगी, तो ये कहाँ तक उचित है बताएं। पहला तो मैं शारदा मैडम को बहुत बहुत बधाई और शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे जगह पे ऑफिस खोला है कि वहाँ पे कोई वकील सोच भी नहीं सकता है जाने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने इतना धैर्य दिखा के ऑफिस खोला है उनका, वो बहुत बहुत उनके लिए बधाई और शुभेच्छा। दूसरा, अपने प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं कि डिजिटलाइज इंडिया करना है और उसके तहत मैडम ने ये जो कार्यक्रम लिया है अपने हाथ में कि घर बैठे आपको न्याय चाहिए या परामर्श करना है उनके साथ, तो 300 रुपये में आप उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में परामर्श कर सकते हैं, जो भी राय लेनी है ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है और बहुत अच्छा निर्णय है, इससे मार्केट में लोगों के लिए फैसिलिटी तो मिल ही जाएगी, व्यापारी लोग के लिए बहुत अच्छा होगा कि उनको अपना वक्त गुजारा या टाइम निकाल के इनके ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, अपने कार्य ऑफिस में बैठ के वो खुद मैडम से बात कर सकते हैं और अपना जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वहीं जब हमने महिला वकील से बात किए तब उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज के तारीख में समाज में बहुत सारे वकील हैं और बहुत से दफ्तर खुले हुए हैं, अब आप लोगों ने मिलकर ये लॉ फर्म की शुरुआत की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पर नया क्या होने वाला है, ये बताएं यहाँ पर नया क्या होगा आम आदमी के लिए। सामाजिक कर्तव्य है ना वकील लोगों का भी, वो आप करते हैं, अच्छा काम है ना जी, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा है ये जी। नया स्कीम जो चालू किया बहुत अच्छा है। किस तरह की स्कीम आप लोगों ने शुरू किया है वो बताना चाहेंगे आप। कंसल्टिंग शुरू किया ना, फ्री कंसल्टिंग, कम से कम रेट में कंसल्टिंग शुरू किया ऑन द लाइन जी, वेरी गुड जी। सादा जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से आप इस दफ्तर में बैठने वाले हैं और आप समझिए कि इस दफ्तर की मुझे जिस तरह की जानकारी मिली है कि आप इसके मुखिया हैं, तो यहाँ से क्या नई शुरुआत होने वाली है ये बताएं। देखिए, यहाँ नवी मुंबई में बहुत सारे वकीलों के लिए दफ्तर है, तो जब भी कोई अगर वहाँ सलाह लेने जाता है तो वह उसको कम से कम 1000 से 1500 रुपये चार्ज पे करना पड़ता है जी। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें आती है या फिर उनको मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से उनको न्याय कैसे पाना है उन्हें पता नहीं होता, तो इस स्थिति में उनको कंसल्टेशन का जो चार्ज है वो शायद भारी पड़ता होगा या फिर उनके पास पैसे होते भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल से लेकर अगर ऊपर लेवल तक देखेंगे तो जो ग्राउंड लेवल की महिला है वो हमेशा न्याय से वंचित रहती क्योंकि पैसों के कारण। तो हमने उनके लिए क्या किया है कि आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हम उनको कंसल्ट करेंगे जी, और हम लोग आधा घंटा कंसल्टेशन करने के बाद हम 300 रुपए उनसे सिर्फ चार्ज करेंगे जी। तो अब मान लीजिए कि वो पुणे में बैठी है और आपसे कंसल्टेंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे आपको 300 कैसे पे करेंगे, उसका जरिया क्या है, मार्ग क्या है।
उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फोन पे है, जी पे है, तो हम उनके जरिए हमको पेमेंट आ जाएगा जो 300 रुपए है जी, और हम लोग उनको वीडियो कॉल पे अपना कंसल्ट करेंगे और उनको जो भी चाहिए जानकारी वो हम दे देंगे। तो मात्र 300 में आप उसको सलाह दे देंगे और उसको मार्क मिल जाएगा, उसके जो तकलीफें होंगी आपकी सलाह से उनकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। साथ ही हमने युवा पीढ़ी के वकील से भी बात की, तब उन्होंने क्या कहा सुने। मेरा नाम एडवोकेट आदित्य शाह है। आदित्य जी ये बताएं कि आप, मैंने जो देखा कि आपका महावीर शांति फाउंडेशन लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है शाह एसोसिएट्स, तो ये जो संस्था है आपकी क्या करने वाली है इस मार्केट में, किस तरह की सहायता करने वाली लोगों की। तो बेसिकली ये आपको जैसे पता है एपीएमसी मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। हाँ। और यहाँ पे छोटे बड़े सारे व्यापारी जो है अपना बिजनेस चलाते हैं जी। तो यहाँ पे अगर काफी सारे किसान जो है वो आते हैं, उनके बिजनेस अलग चलते हैं यहाँ पे। सो अगर समझिए कोई किसान है जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है, जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो महावीर शांति फाउंडेशन में आके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है। और जैसे ये एडवोकेसी फर्म है तो यहाँ पे हम उनको एकदम नॉमिनल फीस में उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि किसान जो है वो ऑलरेडी उनके पास इतने साधन नहीं होते, वो इतना फाइट नहीं कर पाते, हम उनको वे बताएंगे और एकदम नॉमिनल फीस, जिसमें उनको ऐसा भी नहीं लगे कि उनका कुछ खर्चा हो रहा है जी। और उनके लिए हम फाइट करेंगे। तो आपको लगता है कि आपके प्रयासों से उन किसानों का जो है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जो अगर किसी ने ठग लिया उसको तो उसको न्याय मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल न्याय मिलेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरह के आपके फाउंडेशन बने हुए हैं तो इससे किस तरह से लोगों का न्याय मिल जाएगा और किस तरह के लोग आ सकते हैं आप लोगों के पास। और देखिए अभी ये मार्केट वाला एरिया है तो क्राइम रेट भी सब जगह अभी बाहर भी सिटी में बढ़ गया है, ये तो डेफिनेटली मार्केट वाला एरिया है तो हाँ। क्राइम रेट बहुत है, तो अभी हम लोग जो एक लॉ फर्म है तो एक लॉ फर्म की तरह अभी हम लोग सब लोग एक जूनियर्स एसोसिएट्स करके, यहाँ पे जूनियर्स कोई नहीं है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग सब एसोसिएट है और एक दूसरे की हेल्प करके अभी जो टीम वर्क है, टीम वर्क में काम करके ऐसा कभी नहीं है हम लोग का कि खाली तारीख पे तारीख, हर तारीख को और प्रत्येक दिन पे आपको जब भी आपका मैटर रहेगा तभी आपको गारंटीड कुछ ना कुछ स्टेप्स लिया ही जाएगा और आपको मतलब राहत दिला ही देंगे हम लोग जी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। चलिए मुद्दे की बात बता दें जो बेहद जरूरी है ताकि आपको कानूनी सलाह मिल सके, आप व्हाट्सएप के इस नंबर पर संपर्क कर ले, यह आपके स्क्रीन पर नंबर है जिससे पूछ सकते हैं और समय ले सकते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यह नंबर आपके फ़ोन के स्क्रीन पर है जिसे आप लिख लें या सेव कर लें। वैसे मुझे भी लग रहा है कि कहीं किसी वकील के दफ्तर में गए हुए ही अगर आपको अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से संपर्क कर कानूनी सलाह मिल जाए वह भी न्यूनतम शुल्क में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त, हम फिर इसी तरह की नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।